The title of this module is Example Related to Curvilinear Coordinates. बेटा इसमें हम दो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं तो पहले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर वन तो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू फाइंड देखते हैं कि बेटा हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज फाइंड आउट करनी है कहता है जी कि प्रूव दैट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल बेटा देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है बड़ी ही सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन अगर आपको थोड़ी सी लॉजिक बताता चलूं तो आपके लिए शायद बड़ा आसान हो जाएगा इसको आगे फर्दर हैंडल करना बेटा बात यह है कि आपके पास जो है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं बिल्कुल सिस्टम जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसे कि हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात की जाए तो बेटा हमारे पास वहां पे एक्स वाई जी तीन एक्सेस हैं और वहां पे जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आप कहते हैं उनको आई जे के अब बेटा अगर ये आई जे के की मैं बात करूं तो हमें पता है कि तीनों ही एक दूसरे के लिए जो है वो परपेंडिकुलर है और अगर बेटा तीनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम जो है ये एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है तो बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर वही चीज हमने प्रूव यहां पे करनी है फर्क सिर्फ इतना सारा है कि यहां पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो लिहाजा बेटा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के ही हम यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए हम एक्स आई जे के नहीं लेते बल्कि हम क्या लेते हैं या एक्स वाई जी नहीं लेते बल्कि हम क्या करते हैं हम इसमें लेते हैं आर थीटा और जी बेटा यहां पे बताता चलूं कि कुछ लोग इसको रो और फिर फाई और जी कहते हैं लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो जी आपका जो है ना वो सेम है इसी से आपको फर्क पता चल जाएगा कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है तो बेटा हम चलते हैं आगे तो अपने सोल्यूशन की तरफ तो आप देखें कि सबसे पहली बात द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बेटा आपने कोई भी पोजीशन वेक्टर ले लिया ना अगर आप पोजीशन वेक्टर ले लेंगे तो आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा उसके बाद उसके जो है वो टेंजेंट निकालना बट फर्दर वो हम बाद में बात करते हैं तो बेटा ये आपके पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने जो है ये एक पोजीशन वेक्टर यहां पे डिफाइन कर दिया अब बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर आ चुका है अब आप यहां पर इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चूंकि हमने कंसिडर करना है तो बेटा सिलेंड्रिकल केस में एक्स वाई जी आपके पास क्या होंगे हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू रो कॉस थीटा y इज इक्वल टू रो साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू z ये आपके पास z जो है वो आपका सेम रहता है बेटा सिंपल स्टोरी यहां पे हमारी स्टार्ट हो चुकी है अब हम सिंपली इन वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे r के अंदर फिर देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है ले जी बेटा आगे हम चलते हैं फर्दर तो ये हमारे पास r जो बना r इज इक्वल टू रो कॉस थीटा i प्लस रो साइन थीटा j प्लस z यहां तक बेटा आप पहुंच चुके हैं तो फर्दर आपके पास जो है वो आपने टेंजेंट वेक्टर जो है वो आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इस कर्व के अबाउट जो है ये टेंजेंट वेक्टर्स क्या होंगे किसके टू दी रो थीटा एंड जी बेटा हमारे पास यही तीन आपके पास आपने लिया है ना रो थीटा जी आपने लिया है तो बेटा हमारे पास ये इसकी लॉजिक अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि क्यों हम इस तरह कर रहे हैं तो बेटा लिहाजा इसका जो टेंजेंट होगा इसका मतलब है आर का इसके लिए तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू रो की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है पार्शियल आर ओवर पार्शियल रो बेटा इसके बाद फिर हम थीटा की अगर बात करें तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा इसी तरह अगर जी के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी बेटा ये जो तीनों हैं ये आपके पास इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल डेरिवेटिव है बेटा तो आप डेरिवेटिव सिंपल लेते हैं जरा देखते हैं क्या होता है तो बेटा आपके पास क्या बनेगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल रो इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे जी बेटा ये अगर वैसे आपको अगर ना भी जेन मेरे तो बेटा ये जबानी भी एक्सप्रेशन आपको मेरे ख्याल में पता होना चाहिए बड़े सिंपल है कि कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे आपके पास सबसे पहला जो है वो टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू रो है आपके पास इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा तो इसका आप डेरिवेटिव लेंगे बेटा आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो दिस बिकम्स एज माइनस रो साइन थीटा आई प्लस रो कॉस थीटा जे और बेटा एट द एंड हमारे पास जो बचा है जी तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर अब बेटा हमारे पास हमने हमारे पास इनके यूनिट वेक्टर्स फिर क्या होंगे तो बेटा हम देखते हैं यूनिट वेक्टर आपके पास फिर इनका क्या होगा टेंजेंट यूनिट वेक्टर बेसिकली हम देख रहे होते हैं तो इसलिए हमने इसका टेंजेंट वेक्टर निकाला अब हमने उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो बेटा रो के रिस्पेक्ट से सबसे पहला जो यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा दिस इज इक्वल टू ई वन
डी आपने लिया हुआ है, देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसको ई रो ले लूं या मैं ई वन ले लूं, बेटा ये एक ही बात है। बास बुक्स में आप ई वन पढ़ेंगे और बास बुक में आप इसको ई रो पढ़ेंगे, कुछ बुक्स में इसको ई आर भी मेंशन किया होता है, लेकिन यहां पे चूंकि हमारे पास पोजिशन वेक्टर आर है इसलिए उसको डिफरेंट करने के लिए हमने ई रो यूज किया। तो बेटा ई वन इज इक्वल टू ई रो, तो वैक्टर फिर आ गया और ओवर इस मैग्नीट्यूड। तो बेटा वेक्टर हमें पता है ये हमारे पास क्या है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और फिर उसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। फर्दर आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास जो है इसको देखेंगे कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बेटा दैट्स क्वाइट क्लियर कि कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, और ये हमें पता है दैट इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा वो आएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो बेटा ये आपके पास E1 आपके पास आ चुका है। अब हम E2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, सेम पैटर्न के ऊपर, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर आप उसी पैटर्न के ऊपर आप देखें कि E2 आपके पास आएगा, जो E2 जो है वो इस केस में आपके पास E थीटा के इक्विवेलेंट है। तो E थीटा इज इक्वल टू पार्शियल R ओवर पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल R ओवर पार्शियल थीटा मैग्नीट्यूड। तो बेटा अगेन आपके पास जो E पार्शियल R ओवर पार्शियल थीटा था वो था माइनस रो साइन थीटा आई प्लस रो कॉस थीटा जे। बेटा आप इसका मैग्नीट्यूड आपने डिवाइड कर दिया है, और उसके बाद यहां पर आपने क्या किया कि बेटा ये सिंपली जो है ना, आप जरा फोकस कीजिएगा, यहां पे आपने सिंपली ये रो जो है ये इसमें से आपने कॉमन लिया, और नीचे भी आपके पास रो है, नीचे भी रो कॉमन लेके आपने उसको स्केयर करना होता है क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। तो बेटा ये रो इस रो के साथ जो है ये इसका कैंसिल आउट कर देगा इसका इफेक्ट, ठीक है। तो बेटा फाइनली आपके पास फिर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अब बेटा आप फर्दर आगे चलते हैं E3 के लिए। बेटा E3 का जो केस है दैट इज क्वाइट सिंपल कि वो पार्शियल R ओवर पार्शियल Z ओवर पार्शियल R ओवर पार्शियल Z का मैग्नीट्यूड, क्योंकि K यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, तो लिहाजा बेटा ये आपके पास सिंपली जो है वो ही रह जाएगा, K ही रह जाएगा। अब बेटा हमने प्रूफ करना है कि बेसिकली ये सिस्टम जो है वो ऑर्थोगोनल है। अब बेटा ऑर्थोगोनल है इसका मतलब है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट पढ़ लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डेफिनेटली अगर ये आपके पास कॉस का एंगल आपके पास 90 है तो वो जीरो आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है E1 का E3 के साथ, इसी तरह आपका E2 का E3 के साथ अब लेंगे तो देखते हैं सारों का आंसर फिर हमारे पास क्या आता है। बेटा आप देखें कि E1 E डॉट E2 आपने किया और जब आपने डॉट पढ़ लिया तो इसका आंसर आपके पास आ चुका है जीरो, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि कम से कम हम ये जरूर स्टेटमेंट दे सकते हैं आप इस यहां तक कि आपके पास E1 और E2 जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह बेटा आपके पास E2 डॉट E3 जो है वो आपने चेक किया, उसका भी आंसर आपके पास जीरो आ गया, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और फाइनली E3 डॉट E1 बेटा आपने लिया, ये भी आपके पास आंसर जो है ये जीरो आया। बेटा आप क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप कह सकते हैं सिंपली कि आपके पास सो E1 E2 एंड E3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। तो इस तरीके से बेटा आपकी जो पहली एग्जांपल है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, आपका प्रॉब्लम नंबर टू। तो बेटा इसमें देखते हैं कि गिवन क्या है एंड व्हाट टू फाइंड। कहता है जी प्रूव दैट डी ओवर डी टी ऑफ ई रो, बेटा ये जो आपने अभी एक्सप्रेशन पीछे फाइंड आउट किया इसी को हम यूज करेंगे, इज इक्वल टू थीटा डॉट ई थीटा, और हमने फिर नेक्स्ट प्रूव करना है डी ई थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट ई रो, जबकि आपके पास डॉट जो है वो सिंपल डिफ्रेंसिएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास ई रो की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें पता है कि कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे है, और ई थीटा भी है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अब बेटा आपने सिंपली इसका डेरिवेटिव लिया डी ई रो ओवर डी टी, डी ओवर डी टी ऑफ ई रो, तो बेटा आपके पास इसका सिंपल डेरिवेटिव लेंगे जिसका आंसर आपके पास आ गया माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आई प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट जे। बेटा यहां से आपको थीटा डॉट जो है वो अगर कॉमन लेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा थीटा डॉट ई थीटा। तो बेटा इस तरीके से जो पहला पार्ट है वो आपका प्रूव हो चुका है। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे आपने क्या चीज चेक करनी है बेटा, तो वहां पे आपने कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा उसका आपको पता है e थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तो बेटा सिंपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड थीटा डॉट माइनस साइन थीटा एंड थीटा डॉट जे। तो बेटा यहां से भी अगेन आप थीटा डॉट जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन भी कॉमन आपके पास आ जाएगा, तो दिस विल बिकम एज माइनस थीटा डॉट ई रो।
तो यही बेटा आपने चीज प्रूव करनी थी. इस तरीके से आपका ये वाली एग्जाम्पल जो है ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है. एंड दिस इज द एंड ऑफ द मॉड्यूल. थैंक यू वेरी मच.